हेलो एवरी वन एंड अवेरी वन वेलकम टू शिक्षा गाइस लेक्चर सिक्स है करंट एग्रीकल्चर डेटा का जिसके लिए हम एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस जो रिपोर्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ अ गवर्नमेंट रिपोर्ट ठीक है एंड हर साल ये रिपोर्ट आती है एंड इस साल की जो रिपोर्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है तो पिछले पाँच लेक्चर्स भी आपको बेटा ज़रूर देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पर अभी आपको डाल दूंगा पिछले पांच लेक्चर्स भी देखने हैं इंटरकनेक्टेड ऐस नहीं है कि आपने आप सिक्स लेक्चर के ऊपर आए हो तो आपने पांचवा नहीं देखा चौथा नहीं देखा तो आपको सिक्स नहीं समझ आएगा क्योंकि मेनली डेटा है ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं आप अगर नबार्ड ग्रेड ए का पेपर दे रहे हो आप अगर आई बी के स्टूडेंट हो आप अगर कोई स्टेट का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर दे रहे हो या कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो अगर आप जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी आपके पेपर में जीके का पार्ट आता है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए कवर होती है ठीक है एंड टू थाउजेंड प्लस एम सी क्यू कोर्सेस के अंदर जितने भी हम लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं ना यूट्यूब पर इनके भी एम सी क्यूज आपको इस डिटेल सोल्यूशन कोर्स में मिल जाएंगे जो बहुत ही लो प्राइस के ऊपर चल अभी आपको मिल रहा है थर्टी परसेंट ऑफ के साथ डिस्काउंट कोड है अर्ली थर्टी ठीक है तो इस को आप एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए जो ये आपका एम कोर्स है और इफ़ एनी कैन नॉट अफोर्ड इट ठीक है उसके बाद आप मुझे आ, जो है व्हाट्सएप कर सकते हो या मेल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोर्स सबके लिए ओपन है बेटा अगर आप अफोर्डेबिलिटी का इशू लेकर के आ रहे हो तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है आपने मेरे से कॉन्टैक्ट में आना है डायरेक्टली एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू टेलीग्राम लिंक भी बेटा डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पर ये यूट्यूब लेक्चर्स के फ्री पी मिल जाते हैं ओके चलिए लेटेस्ट स्टार्ट द डेटा फॉर टूडे और आज हम पोटैटो के साथ शुरू करेंगे वही हमें देखना है सबसे पहले तो कि एरिया एरिया वाइज पोटैटो की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है नबार्ड ग्रेडे के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है नबार्ड ग्रेडे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लो उसमें आपको एमसीक्यू मिल जाएगा उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि पोटैटो की कल्टिवेशन कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा होती है विथ स्टेट क्सिमम एरिया अंडर पोटैटो कल्टिवेशन इस तरह का कुछ क्वेश्चन था और नीचे उसने चार स्टेट्स के नाम दिए हुए थे और आंसर आपका यूपी ही था उस टाइम पर भी यूपी में ही सबसे ज्यादा एरिया था और आज भी यूपी में ही है सबसे ज्यादा एरिया अराउंड ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट एरिया यूपी में है और यूपी के बाद सेकेंड और थर्ड नंबर पर वेस्ट बेंगाल और बिहार आते हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्यादा जो क्वेश्चन वो पूछता है वो पहले वाले का ही पूछता है प्रोडक्शन में भी यूपी सबसे आ गया बेटा कि अगर एरिया सबसे ज्यादा का है तो प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा यूपी का ही होगा इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू हमने पिछले क्रॉप में देखा भी है ये सबसे ज्यादा गुजरात का है ये वैल्यू आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीक है बस आप ये याद रखिएगा कि जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में है अनियन के ऊपर आ जाएं उसके बाद अनियन की अगर हम बात करें तो अनियन में सबसे ज़्यादा जो एरिया अंडर कल्टिवेशन है बेटा वो महाराष्ट्र के पास है अराउंड फोर्टी टू पॉइंट नाइन फाइव परसेंट फॉलोड बाय कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश एंड प्रोडक्शन भी इस केस में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का ही है लेकिन आप देख रहे हो कि प्रोडक्शन कई बार चेंज हो जाता है एरिया में सेकंड नंबर पर आता है कर्नाटका और थर्ड नंबर पर आता है एमपी लेकिन प्रोडक्शन में एमपी दूसरे नंबर पर आ गया और कर्नाटका तीसरे नंबर पर आ गया तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि इट इज नॉट ऑलवेज कि यार सेम uh, जिसका एरिया ज्यादा है उसी का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है तो वो तुक्केबाजी मत लगाइएगा अनियन में सबसे ज्यादा बेटा हरियाणा का है टोमेटो के ऊपर आ जाए टोमैटो में एरिया सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के पास है बेटा अराउंड इलेवन पॉइंट एट नाइन परसेंट फॉलोड बाई ओडिशा एंड तमिलनाडु प्रोडक्शन की बात करें तो एम पी के पास सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी है फोर्टीन पॉइंट वन वन परसेंट और प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है Yield बेटा सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश का है टोमेटो के बाद कोकोनट के ऊपर आ जाए कोकोनट में एरिया सबसे ज्यादा केरला के पास है अराउंड थर्टी फोर पॉइंट एट टू परसेंट फॉलोड बाई कर्नाटका एंड तमिलनाडु प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा केरला का है अराउंड थर्टी फाइव पॉइंट जीरो नाइन परसेंट फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड कर्नाटका और यील्ड सबसे ज्यादा बेटा कोकोनट का महाराष्ट्र में है तो देख रहे हो ऐसा भी नहीं है कि एरिया आप देख रहे हो एरिया और प्रोडक्शन में जो नहीं है लेकिन वो यील्ड में सबसे आगे हैं है ना तो इसमें किसी भी तरह का गैस वर्क या तुक्केबाजी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका कोई स्कोप ही नहीं है कोई स्कोप नहीं है अब हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स देखेंगे बेटा कुछ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स जिसके अंदर से आई बी पी एस एफ ओ में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नबार्ड में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जनरल नॉलेज के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हर एग्जाम के लिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कौन कौन सा स्टेट करता है कंट्री के अंदर इसके अंदर ना वो क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो गुजरात ज़रूर ऑप्शन में देगा ठीक है और आधे से ज्यादा बच्चे गुजरात लगा करके आ जाएंगे क्योंकि ऑपरेशन फ्लड जो आया था रिलेटेड टू मिल्क ठीक है प्रोडक्शन से रिलेटेड जो रेवोल्यूशन था वो गुजरात में शुरू हुआ था आनंद से तो हर कोई जाएगा कि यार है, पर ऐसा नहीं है, है, है। आंध्र प्रदेश है सबसे ज्यादा अंडे आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एक एक है मीट की लार्जेस्ट प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर है इनलैंड फिशरीज की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश के अंदर है इनलैंड फिशरीज में आ जाता है जैसे अपने लेक्स हो गए पॉन्ड्स हो गए रिवर्स हो गए ठीक है जो बेसिकली विद इन द लैंड जो वोटर वाटर रिसोर्सेज होते हैं वहां से जो हम फिशरीज डिराइव करते हैं और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेराइन फिशरीज में यानी कि जो ओशियनिक हम फिशरीज कैच करते हैं एंड उसके अंदर आपका गुजरात है तो इसके अंदर भी कन्फ्यूज नहीं होना इनलैंड में आंध्रा है और मेराइन में गुजरात है ठीक है तो एक बार और देखो इसको यहीं पर साथ के साथ याद कर लो एक बार तो यहां पर साथ के साथ याद कर लो उसके बाद पीडीएफ से दो तीन बार आप रिवाइज करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आपके बड़े सारे क्वेश्चन निकलने वाले हैं ये जो छह वीडियोज है ना ये छह वीडियोज आपके लिए खजाना है अभी तक जो आई है अभी और भी आएंगी इसके अंदर और भी डाटा हमने डिस्कस करना है तो ये खजाना है आप लोगों के लिए मैं आपको ये बात बता दूं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्ज में आंध्र हो गया मीट में उत्तर प्रदेश हो गया इनलैंड फिशरीज में भी आंध्र प्रदेश हो गया और मेराइन फिशरीज़ में गुजरात है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी देखेंगे अब कुछ क्रॉप्स की इसका ना एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको रखना है अप्रोक्सीमेट आइडिया रखना है ठीक है कि अप्रोक्सीमेटली कितना जो है वो रहेगा ठीक है क्योंकि एग्जैक्ट याद करना ज़रूरी नहीं है इन एंड अराउंड याद रह जाएगा तब अब भी आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा राइस की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हमारे देश, देश में है सेवेंटी वन पॉइंट नाइन के जी पर पर्सन पर ईयर ऑन एन एवरेज एक बंदे के पास हमारे देश में एक साल में सेवेंटी वन पॉइंट नाइन के जी राइस की अवेलेबिलिटी है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है वॉट इज द अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी पर कैपिटा ऑफ राइस इसके अंदर ना वो मैं आपको क्लियरली बता दूं बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शंस नहीं देगा वो ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन आपको 71.4 दे देगा एक ऑप्शन 71.6 दे देगा फिर एक ऑप्शन 71.9 देगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो बहुत क्लोज ऑप्शंस नहीं देगा वो ऑप्शंस कैसे देगा कि भाई सेवेंटी वन पॉइंट इस तरीके से वो आपको ऑप्शन देगा तो बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन नहीं होंगे तो एग्जैक्ट नंबर नहीं भी याद है ना और सिर्फ और सिर्फ आपको एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है तब भी आप इसको सॉल्व कर दोगे इजीली राइस के बाद वीट आ जाता है वीट का है 66.9 केजी पर पर्सन पर ईयर सीरियल्स का है 168.9 केजी पर पर्सन पर ईयर उसमें सारे सीरियल्स आ गए राइस वीट एंड ऑल पल्सेस का है 16.4 केजी पर्संस पर ईयर फूड ग्रेन्स ओवरऑल अ फूड ग्रेन्स के अंदर सीरियल्स भी आ गए पल्सेस भी आ गया वीट भी आ गया राइस भी आ गया सब आ गया उसमें आपका 185.4 केजी पर पर्सन पर ईयर अब एक क्वेश्चन तो मैंने आपसे ये बता दिया कि ये पूछ लेगा कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ राइस कैसी है दूसरा वो पूछ सकता है अमंग द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग अमंग फॉलोइंग विच हैज द मैक्सिमम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इनमें से किसकी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है इस तरीके से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता ऑप्शन दे देगा राइस बी में दे देगा वीट सी में दे देगा पल्सेस डी में दे देगा आपको इक्वल ऑल हैव इक्वल इस तरह से ऑप्शन दे देगा तो आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी किसकी है राइस की है सेवनटी वन पॉइंट नाइन या फिर वो ये भी कह सकता था मैक्सिमम की जगह वो लिख देता मिनिमम ठीक है मैक्सिमम की जगह वो लिख देता मिनिमम तो मिनिमम किसकी हो जाती मिनिमम हो जाती पल्सेस की तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको एमसीक्यू कोर्सेज के अंदर जो अलग अलग पैटर्न के ऊपर या अलग अलग क्वेश्चन uh, जो फॉर्म हो सकते हैं वो आपको सारे उसके अंदर जो है वो मिल जाएंगे ठीक okay, है ओके एडिबल ऑयल की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है नाइनटीन पॉइंट सेवन के जी पर पर्सन पर ईयर शुगर की नाइनटीन पॉइंट एट के जी पर पर्सन पर ईयर टी की एट सिक्सटी थ्री ग्राम्स पर पर्सन पर ईयर और कॉफी की हंड्रेड ग्राम्स पर पर्सन पर ईयर की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हमारे देश के अंदर है नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बेटा स्टोरेज कैपेसिटी को तो स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें बेसिकली जो स्टोर हाउसेज जहाँ पर आप अपनी क्रॉप्स वगैरह को स्टोर कर सकते हो बफर स्टॉकिंग वगैरह कर सकते हो तो जोन में डिवाइडेड है इंडिया इंडिया के अंदर देखो पांच जोन है नॉर्थ जोन साउथ जोन ईस्ट जोन वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन ये आपके पाँच इंडिया के अंदर जोन है तो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो नॉर्थ जोन के अंदर है बेटा आपको नंबर याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि कितना उसमें क्वांटिटी है सिर्फ आप ये याद रखें कि मैक्सिमम नॉर्थ जोन में है और नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी पंजाब में है उसके बाद अगर हम साउथ जोन की बात करें तो साउथ जोन में आंध्र प्रदेश की सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है नॉर्थ ईस्ट जोन में असम की सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है ईस्ट जोन में वेस्ट बंगाल की सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है और वेस्ट जोन में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है ठीक है अगर अब हम आ, बात करें कि जोन वाइज जोन वाइज मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी तो मैक्सिमम नॉर्थ जोन की है और मिनिमम जो है वो नॉर्थ ईस्ट की है मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी नॉर्थ जोन में बेटा चंडीगढ़ की है और अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं क्योंकि चंडीगढ़ तो यूटी हो गया ना तो ओवरऑल अगर हम नॉर्थ जोन देखते हैं तो चंडीगढ़ की सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी है लेकिन हम अगर सिर्फ स्टेट्स को कंपेयर करें तो हिमाचल की सबसे कम है साउथ जोन में सबसे कम लक्षदीप की है स्टोरेज कैपेसिटी और स्टेट्स के अकॉर्डिंग केरला की है नॉर्थ ईस्ट जोन में मेघालय की सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी है ठीक है ईस्ट जोन में सिक्किम की सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी है और वेस्ट जोन में गोवा की सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी हमको देखने को मिलती है अगर अब हम सारी स्टेट्स को देखें पूरी के पूरे इंडिया को अगर अब हम ए एक पिक्चर में लेकर के चलें तो पूरे इंडिया में सब स्टेट्स में सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो पंजाब की है जो आपका नॉर्थ जोन में आता है ठीक है तो इस तरह से वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है दैट विच फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी तो पंजाब है और मिनिमम बेटा गोवा है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स की ये सब गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड डाटा है बेटा इसके ऊपर आपको एक परसेंट भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिपोर्ट में से डायरेक्टली इसको पिकअप किया है मैंने साढ़े चार सौ पाँच सौ पेज की रिपोर्ट है ये जो आपको के सामने स्टेटमेंट्स आ रही है ना ये डाटा पूरा टेबल्स बड़े बड़े टेबल्स को एनालाइज करके डाटा निकाला है ठीक है तो ये आपको लग रहा होगा कि सर ये पंद्रह मिनट बीस मिनट की क्लास है पर इसको बनाने के लिए कम से कम दो घंटे तीन घंटे का समय लगता है क्योंकि पूरी रिपोर्ट को एनालाइज करना पड़ता है तो एन पी के फर्टिलाइजर्स इंडिया में किस ऑर्डर में कंज्यूम होते हैं यानी कि क्वांटिटी वाइज तो सबसे ज्यादा बेटा नाइट्रोजन फिर फॉस्फोरस और फिर पोटेशियम ये हमारे यहाँ पर ऑर्डर है कंजम्पशन का पर हेक्टेयर कंजम्पशन अगर हम देखें केमिकल फर्टिलाइजर्स की इंडिया में जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर की तो इंडिया के अंदर पर हेक्टेयर ऑन एन एवरेज 137.15 थर्टी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं एक हेक्टेयर लैंड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंपोर्ट हम करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर को वो बेटा नाइट्रोजन बेस्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र जो बिल्कुल भी इंडिया के अंदर जिसकी प्रोडक्शन अभी नहीं हो रही है और वो है आपका पोटेशियम तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये सारे के सारे आपसे पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एन फर्टिलाइजर इंडिया में कंज्यूम हो रहे हैं एन पी के ऑर्डर में नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम के ऑर्डर में पर हेक्टेयर 137.15 फर्टिलइजर्स है नाइट्रोजन कंजम्पशन की बात करते हैं तो स्टेट कंजम्पशन के अंदर बेसिकली हमें क्या बात करनी है कि सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कौन सा कंज्यूम हो रहा है ठीक है कौन सी स्टेट में जोन वाइज देखेंगे तो साउथ जोन में सबसे ज्यादा कर्नाटका में फर्टिलाइजर की कंजम्पशन है अ uh, मैक्सिमम ये हम पर हेक्टेयर की बात नहीं कर रही है हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि ओवरऑल कितनी कंजम्पशन हो रही है टोटल कितनी कंजम्पशन हो रही है नॉर्थ जोन में सबसे ज्यादा कंजम्पशन यूपी में है ओके okay. uh, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जोन में असम वेस्ट जोन में महाराष्ट्र ठीक है ये बेटा नौ, uh, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये ईस्ट है ये उल्टा हो गया ये ईस्ट जोन में बेटा बिहार और जोन uh, वाइज uh, अगर हम देखें तो मैक्सिमम फर्टिलाइजर कंजम्पशन वेस्ट जोन के अंदर होती है बेटा ठीक है जी उसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल सारी की सारी स्टेट्स में इंडिया की सारी स्टेट्स में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कंजम्पशन यूपी के अंदर होती है और मिनिमम जो फर्टिलाइजर कंजम्पशन है बेटा दिस इज नॉट मैक्सिमम दिस इज मिनिमम मिनिमम जो फर्टिलाइजर कंजम्पशन है वो तीन स्टेट्स हैं सिक्किम अरुणाचल और मेघालय क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल uh, फर्टिलाइजर की कंजम्पशन है दैट इज जीरो ठीक है सिक्किम अरुणाचल और मेघालय में अब हम बात करते हैं पर हेक्टेयर कंजम्पशन की तो पर हेक्टेयर कंजम्पशन कैन बी डिफरेंट ठीक है पर हेक्टेयर का क्या मतलब हो गया कि ऑन एन एवरेज एक हेक्टेयर लैंड के अंदर कितना हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम फर्टिलाइजर कंजम्पशन साउथ जोन में बेटा पिडुचेरी और आंध्र प्रदेश में है नॉर्थ जोन में पंजाब में है पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा कंजम्पशन ईस्ट जोन में बिहार में है वेस्ट जोन में गुजरात नॉर्थ ईस्ट जोन में आसाम और जो मैक्सिमम पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर कंजम्पशन है वो नॉर्थ जोन के अंदर है ठीक है जी और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें ओवरऑल सारे के सारे इंडिया को देखते हुए नॉट ज़ोन वाइज पूरे इंडिया को अगर हम लेकर के चले तो और पंजाब के अंदर जो है आपकी सबसे ज्यादा कंज़म्पशन होती है फर्टिलाइजर की पर हेक्टेयर ऑल इंडिया जो पर हेक्टेयर एवरेज कंज़म्पशन है फर्टिलाइजर्स का वो भी जानना इंपॉर्टेंट है ऑन एन एवरेज एक हेक्टेयर लैंड के ऊपर इंडिया में नाइट्रोजन हम यूज करते हैं 86.01 सिक्स पॉइंट जीरो वन के जी पर हेक्टेयर फॉसफोरसाइव के जी पर हेक्टेयर एंड पोटेशियम थर्टीन पॉइंट टू नाइन के जी पर हेक्टेयर और अगर हम तीनों को देख करके चलें एन पी के नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों को लेकर के चलें तो पर हेक्टेयर जो है वन थर्टी सेवन पॉइंट वन फाइव के जी पर हेक्टेयर का कंजम्पशन जो है वो आता है ये डायरेक्टली पेपर के अंदर पूछा जा सकता है तो इसके लिए आपको बेटा तैयार रहना चलिए ऑल राइट ओके okay. अच्छा बेटा एक चीज़ मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ अभी मेरा फ़ोन बज रहा था तो मुझे उसको देख करके याद आया मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है है ना तो आपने इस पर व्हाट्सएप करना है हो सकता है कि आप मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम बताओगे तो मैं आपको कॉल करने को बोलूंगा मैं अगर आपको कॉल करने को बोलूँगा तो मैं आपको उसके साथ एक टाइम भी दूंगा कि इतने बजे फ़ोन करना अब बच्चे क्या करते हैं उतने बजे फ़ोन नहीं करते ठीक है याद नहीं रहता या आलस खा जाते हैं या जो मर्जी फिर वो किसी दूसरे टाइम पर फ़ोन करते हैं पता है क्या होता है सिर्फ आप अकेले एक स्टूडेंट नहीं हो है ना और भी स्टूडेंट्स हैं सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया होता है फिर वीडियो भी बनाना होता है काम भी और करना होता है तो ऐसा हो सकता है कि मुझे जब आप फिर फ़ोन करो तो मैं उठा ना पाऊँ मैं जब आपको टाइम देता हूँ ना उस टाइम फिर मैं स्पेशली अपने शेड्यूल के अंदर मेंशन करता हूँ कि मेरे को इस बच्चे से बात करनी है उसके लिए मैं कम से कम पंद्रह से बीस मिनट का टाइम रखता हूँ ठीक है तो उस टाइम में ही फ़ोन किया करो ऊपर नीचे फ़ोन करोगे फिर उठ नहीं पाएगा फिर आपको होगा कि टीचर जो है वो नंबर तो दे दिया उसने लेकिन बात नहीं करता ठीक है एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर ज्वाइन कर लेना पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय